नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेसन का एक टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कप बेसन ले लिया है। किसी भी एक कटोरी या कप की सहायता से जो है नाप सेट कर लीजिए और उसी के अनुसार सब कुछ लेना है। और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक, एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच हींग ऐड करेंगे। हींग का फ्लेवर दोस्तों बेसन के साथ काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए हींग को स्किप ना करें, ज़रूर डालें, अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे व्यंजनों की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहे। ये देखिए सारे मसाले ऐड हो गए हैं। अब हम इसमें बेसन का 2.5 गुना पानी ऐड करेंगे। पानी की मात्रा का ध्यान रखना है, बेसन जितना भी लेना है उसका 2.5 गुना पानी ऐड करना है। पानी को धीरे धीरे इसमें ऐड करिए और विस्कर की सहायता से इसको धीरे धीरे घोलिए और लंप फ्री बैटर बनाइए। एक साथ पानी मत ऐड करिएगा, वरना इसमें लंप्स पड़ जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इसको धीरे धीरे पानी डालते हुए फेंट फेंट के इसका बिल्कुल पतला बैटर तैयार कर लीजिए। बेसन का ये बहुत टेस्टी और आसान नाश्ता है, जो काफ़ी जल्दी तैयार हो जाता है और टेस्टी भी बनता है, सबको पसंद आता है। एक बार बना के ट्राई करिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको और आपके परिवार वालों को। तो ये 2.5 गुना पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक थाली या कोई मोल्ड ले लेंगे और उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे। मोल्ड या थाली को बहुत अच्छे से ग्रीस करना है, जिससे कि बेसन का मिक्सचर इसमें जब हम डालें तो बाद में निकालने में उसमें कोई परेशानी ना हो। इसके बाद हम एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे और उसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और ब्रश की सहायता से मस्टर्ड ऑयल को पूरे पैन में चारों तरफ फैला लेंगे, जिससे कि मिक्सचर जो है बनाते समय कढ़ाई से चिपके ना और आसानी से बाद में निकल जाए। अब हम गैस की फ्लेम ऑन करके मिक्सचर को ऑयल को हीट कर लेंगे और इसमें हमने 4 दाने मेथी के डाले हैं, आप चाहें तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। 1 चम्मच जीरा डाला है, इसके साथ में कटा हुआ प्याज और 2 हरी मिर्च डाली है। प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का गुलाबी ही रखना है। 1 से 1.5 मिनट में ये अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन में आ जाएगा। ये नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ दोस्तों हेल्दी भी है, इसमें काफ़ी कम ऑयल का इस्तेमाल होता है और टेस्टी भी लगता है। अब हमने जो बेसन का पतला वाला मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और मिक्सचर को डालते हुए लगातार चलाते रहेंगे। इसको पकने में करीब 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकेगा। जैसे जैसे मिक्सचर पकता जाएगा वैसे वैसे मिक्सचर गाढ़ा भी होता जाएगा। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हमारा मिक्सचर उस कंडीशन में नहीं आया है जैसा हमको चाहिए, इसलिए अभी हमको इसको और पकाना पड़ेगा। इसको लगातार चलाते रहें और साइड से निकालते रहें, वरना जो है ये किनारे से चिपक जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा मिक्सचर रिक्वायर्ड कंडीशन में आ गया है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और मिक्सचर को जो हमने प्लेट को ग्रीस किया था उसमें हम डाल देंगे। मिक्सचर काफ़ी गर्म है, इस वक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मिक्सचर को डालते हुए अच्छे से इवनली चारों तरफ फैला लेना है।
तो हमने सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है और इसको चम्मच या कलछी की सहायता से चारों तरफ अच्छे से फैला लीजिए और इसको आधे से एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए दोस्तों, मिक्सचर हमारा चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अब हम इसको छोड़ देते हैं आधे से एक घंटे के लिए। ये देखिए दोस्तों, मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको कट कर लेंगे, जैसा भी चाहिए वैसे कट कर लीजिए। मैंने स्क्वायर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और बहुत आसानी से निकल आया है। इनकी हम सब्जी भी बना सकते हैं, हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम एक पैन लेते हैं और इसमें मस्टर्ड ऑयल डालते हैं और इसके साथ में एक चम्मच जीरा और हींग डालते हैं और इसमें कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। करी पत्ता और हरी मिर्च भी ऐड करना है इसमें। करी पत्ते का भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है। मैं ज़्यादातर नाश्तों में इसका यूज़ ज़रूर करती हूँ, इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। प्याज को उतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस पिंक हो जाए और कच्चापन दूर हो जाए प्याज का। ये देखिए दोस्तों, प्याज लगभग भुन के तैयार हो गया है। इस तरीके की कंडीशन में आने में इसको 1 से 1.5 मिनट का समय लगा हुआ है। डाल के इनको आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छे से।